नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं एक छिंतर गज का डुप्लेक्स। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ दो यूनिट बनाई हुई है छिंतर छिंतर गज में, और एक 3 BHK का डुप्लेक्स है, एक यहाँ पे 4 BHK का डुप्लेक्स है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 3 BHK का डुप्लेक्स, और नेक्स्ट वीडियो में 4 BHK का डुप्लेक्स का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। लोकेशन इनकी देखते हैं तो मेन जो कालवाड़ रोड है वहाँ हाथों से किशोरपुरा रोड निकल रही है, तो किशोरपुरा रोड से जस्ट 200 मीटर की डिस्टेंस पर ये बना हुआ है, और राधा विहार थर्ड नाम से टाउनशिप है। और डिस्टेंस इसकी देखते हैं अपन कालवाड़ रोड से तो 700 मीटर की डिस्टेंस पे डुप्लेक्स बना हुआ है। यहाँ आप देख लीजिए एक बार, डुप्लेक्स का एलिवेशन काफ़ी अच्छा एलिवेशन दिया हुआ है। और ऊपर की तरफ अपन देखते हैं तो ऊपर बालकोनी जो निकाली हुई है उसमें स्टील और ग्लास का वर्क किया हुआ है। नीचे की तरफ आप देखते हैं यहाँ पे तो सामने देखिए डुप्लेक्स के, यहाँ आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा जहाँ आप अपन प्लांटेशन कुछ कर सकते हैं। और अब देखिए ये मेन गेट आ जाता है, तो मेन गेट की चौड़ाई यहाँ देखते हैं तो 8 फीट की चौड़ाई में आपको ये गेट मिलने वाला है। डायमेंशंस विला की देखते हैं तो 18x36 में ये बना हुआ है। स्पेस देखते हैं पोर्च एरिया का तो 8x15 के स्पेस में आपको पोर्च मिल जाता है, जहाँ एक मीडियम कार आपकी इजीली पार्क हो पाएगी। यहीं पर नीचे की तरफ वाटर टैंक का प्रोविज़न मिल जाता है। साथ ही देखते हैं एंट्रेंस के राइट में, तो यहाँ देख सकते हो आप 3x8 की स्पेस में यहाँ पर आपको एक और अच्छा स्पेस मिल जाता है। यहीं से आपको एक जो गेस्ट रूम अपना है उसकी एंट्री यहाँ से मिल जाती है। और रेलिंग जो है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जीना जो निकाला हुआ है बाहर से पोर्च एरिया से दिया हुआ है। और डुप्लेक्स जो है ये अपना 3 BHK का है, जिसमें 2 बेडरूम आपको नीचे मिलने वाले हैं और 1 बेडरूम ऊपर की तरफ मिलेगा। और यहाँ देखिए आप, ये मेन एंट्री है अपने डुप्लेक्स की। यहाँ गेट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा गेट यहाँ पर लगाया हुआ है। हाइट इसकी देखते हैं तो 7 फीट की हाइट तक का ये गेट दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ एंटर करते ही आ जाता है अपने हॉल का स्पेस, और हॉल का स्पेस काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। साइज़ की बात करें इसकी तो 10x13 की स्पेस में आपको यह हॉल मिल जाता है। और हॉल में ही आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, अभी यहाँ पे LED लाइट्स डाली हुई है, और कुछ काम यहाँ डुप्लेक्स में अभी सैनिटरी का और लाइटिंग का बाकी है, तो जल्द ही ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हॉल के स्पेस में ही आप देखते हो सामने की तरफ इधर, तो यहाँ मिल जाता है आपको LED पैनल, और LED पैनल के साथ ही यहाँ कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए फ्लोर प्लान में आपको बताऊँ, यहाँ पर तो वेस्ट फेसिंग का डुप्लेक्स है, जिसमें आपको पोर्च के साथ ही एक आगे की तरफ बेडरूम मिल जाता है, पीछे की तरफ एक बेडरूम है, और साथ ही यहाँ पे किचन दिया हुआ है। और यहाँ आपको एक कॉमन लेटबाथ मिलने वाला है, तो लेटबाथ देखिए यहाँ पे इंडियन सीट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। साइज़ की बात करें लेटबाथ की तो 5x8 की साइज़ में लेटबाथ बनाया हुआ है। टाइल्स इसमें काफ़ी हाइट तक दी हुई है, और साइड में आप देख सकते हो वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखते हैं अपन किचन को, तो किचन जो है यहाँ पे ओपन दी हुई है, और काफ़ी स्पेशियस किचन आपको मिलने वाली है। साइज़ इसकी देखते हैं तो 7x8 की स्पेस में किचन है, और यहाँ आप देख सकते हो स्पेस की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बास्केट्स वगैरह, ड्रॉवर वगैरह जो भी है प्रॉपर यहाँ पे लगाए हुए हैं। और काउंटर जो है ग्रे कलर में यहाँ पर दिया हुआ है। काउंटर के साथ ही आप देख सकते हो ऊपर भी यहाँ पर टाइल्स लगाई हुई है, और ऊपर यहाँ भी और अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, जो कि वुडन वर्क में यहाँ पे तैयार किया हुआ है। पीछे की तरफ आप किचन में देखते हो तो यहाँ आ जाता है विंडो, और विंडो जो है अपना बैकयार्ड स्पेस में खुल रहा है, तो वेंटिलेशन की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। और इसके साथ ही मैं दिखाता हूँ आपको सामने का बेडरूम, तो सामने का ये जो बेडरूम है साइज़ इसकी देखते हैं तो 9x10 की स्पेस में ये बेडरूम मिलने वाला है। और टाइल्स जो है आपको 2x2 की यहाँ पर टाइल्स लगाई हुई मिल जाती है। साइड में अपन देखते हैं यहाँ सामने की तरफ, तो यहाँ आपको मिल जाता है कूलर लगाने के लिए स्पेस, और साथ ही विंडो एसी अगर लगाना चाहो तो उसका प्रोविज़न भी यहाँ पे मिल जाता है। और अगर अपन एसी लगाना चाहे तो सभी रूम्स में और हॉल में आपको एसी पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर की तरफ आप रूम में डिजाइन देख सकते हो, और LED लाइट्स यहाँ पर लगाई हुई है। बेडरूम जो है आपका गेस्ट रूम इसे आप बोल सकते हो, जिसमें सामने की तरफ से सीधी एंट्री है और हॉल की साइड से एंट्री है, तो 2 गेट आपको यहाँ पे
मिल जाते हैं। और अब अपन चलते हैं पीछे के बेडरूम में। तो बेडरूम ये जो है काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें भी दिया हुआ है। साइज इसकी देखते हैं तो 11x13 की स्पेस में आपको ये बेडरूम मिल जाता है। और बेडरूम के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे एसी पॉइंट दिया हुआ है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो काफ़ी यूनिक सी यहाँ पे डिजाइंस निकाली हुई है और LED लाइट्स यहाँ पे लगाई हुई है। यही रूम में आप देखते हो तो सामने की तरफ यहाँ मिल जाती है आपको एक अच्छी सी वार्डरोब। वार्डरोब देख सकते हो काफ़ी हाइट तक यहाँ पे वार्डरोब दी हुई है। स्पेस यहाँ देखते हैं तो काफ़ी डीप बनाई हुई है जिसमें स्पेस काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और रूम से ही अटैच है अपना ये पीछे का स्पेस, तो इसे आप एज ए वॉशिंग एरिया यूज कर सकते हो। साइज आप यहाँ की देख सकते हो 5x6 के स्पेस में आपको ये स्पेस मिलने वाला है। ऊपर की तरफ देखते हो तो वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। और ये देखा आपने नीचे का फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। और अब मैं ले चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो है आपको एक बेडरूम और एक कॉमन लेट बाथ मिलने वाला है। साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी रेलिंग लगाई हुई है। और सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ प्रॉपर लाइट आपको मिलती रहेगी। उसके लिए आप देख सकते हो मिरर यहाँ पे, सॉरी ग्लास यहाँ पे लगाए हुए हैं। और यहाँ ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ भी अच्छा स्पेस आपको मिलने वाला है। कुछ स्टोर अगर आप कुछ करना चाहो तो यहाँ स्टोर भी कुछ कर सकते हैं अपन। और ये आ जाता है अपना छत का स्पेस पीछे की तरफ। स्पेस देख सकते हो यहाँ काफ़ी अच्छा आपको ओपन स्पेस मिल रहा है। और यहीं आपको एक कॉमन लेट बाथ मिल जाता है। कॉमन लेट बाथ आप देख सकते हो, साइज इसकी देखते हैं तो 4x8 के स्पेस में आपको ये मिलने वाला है। और यहाँ पे जो बेडरूम है आगे का, सॉरी एक ही बेडरूम है यहाँ पे। और बेडरूम काफ़ी अच्छा स्पेस में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साइज इसकी देखते हैं तो 9x14 के स्पेस में बेडरूम है। और सामने की तरफ इसमें बालकनी दी हुई है। बेडरूम में ही देखते हैं साइड में तो यहाँ कूलर का ऑप्शन है, साथ ही मिल जाती है आपको एक अच्छी सी वार्डरोब। सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ ये आ जाता है बालकनी स्पेस। तो काफ़ी अच्छा बालकनी स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखा आपने 3BHK का डुप्लेक्स। और जल्द ही आपको जो साइड में 4BHK का बना हो उसका भी वीडियो मिल जाएगा। और अगर पसंद आया वीडियो तो यार वीडियो को लाइक करो। अगर करना चाहते हो विजिट तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर, वहाँ आप कॉल करके विजिट कर सकते हो। और जो डुप्लेक्स आज आपने देखा है इसकी डिमांड रेट है 26 लाख रुपये जो कि ऑन टेबल नेगोशिएबल है। तो बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू।